अभी जैसे आप देख रहे हैं ये COVID-19 मोमेंट पास फॉर्म है, ये क्या फ़ायदा है इसका भी देख लेते हैं और इससे अलग भी देख लेते हैं। नोमेट सिक्योर .gov.in। जैसे ही आप ये गूगल पे टाइप करेंगे, नोमेट हमारा ये भी हमने इसकी पूरी वेबसाइट नहीं तैयार वो करी। नोमेट इसको आप गूगल पे करिएगा टाइप, ना कि यहाँ URL में, क्योंकि URL में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके सिक्योर .gov.in। ठीक है, जैसे आप ये टाइप करेंगे तो ये साइट आपके सामने खुल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं साइट हमारे सामने खुल गई है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक तो ये भी है, ये दो साइट हैं COVID-19 को ले गई हैं, बट ये वाली नहीं है, दूसरी वाली नहीं है, ये ऐसे ही पता नहीं किस काम के लिए, बट ये किसी और काम के लिए। हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसको ही जैसे ही हम खोलते हैं तो हमारे सामने ये वाला प्लेटफॉर्म खुल के आता है। तो ठीक है, तो जैसे कि किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, हमें इसमें जाना है सिक्योर .gov.in वाले में, ना कि NIC वाले में। ठीक है, तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें स्टेट हेल्पलाइन का जो नंबर रहेगा, हम उससे हेल्प मांग सकते हैं। जैसे कि हर स्टेट के लिए एक अलग अलग नंबर है, जैसे कि हरियाणा के लिए ये नंबर, हरियाणा जो कोई आपके आस पड़ोस में संदिग्ध दिखाई दे कोरोना से रिलेटेड या आपको उसके इलाज के लिए चाहिए तो आपका ये होगा। और चंडीगढ़ से हैं आप तो जैसे कि चंडीगढ़ का इसमें अलग से नहीं दिखाया हुआ इसमें, तो ठीक है ले ये रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। इसका फॉर्म, इसकी लाइव जो हेल्प डेस्क है वो अभी हमारे सामने अभी आ रही है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका एक ये जो पोर्टल है, मैं इसको वो करके कॉपी करके आपको दिखा दूंगी। आप इसको व्हाट्सएप पे भी आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनका जो लाइव हेल्प डेस्क है। ठीक है, यदि कोई आपको रिपोर्ट करनी हो, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, या आपको कहीं दिखाई दे रहा हो कोई बीमारी, अपने घर में भी बीमार दिखाई दे रहा हो, तो आप कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ केस भी देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट की एक रिपोर्ट है ये। अब जैसे कि आपको ई पास रजिस्टर चाहिए, जैसे कि माइग्रेंट होने के लिए, लेबर जैसे कि जैसे उधर जा रहे हैं, स्टूडेंट वगैरह, या एसेंशियल सप्लायर के लिए ई पास चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं चंडीगढ़ का खोलती हूँ तो आपको दिखेगा इसका फॉर्म ऐसे भरना है जैसे इसमें दिखाया गया है, आप इसको भर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। तो इसका स्टेटस आप यहाँ से जानेंगे और रिक्वेस्ट आप यहाँ से करेंगे। अब बात आती है, ये सोचते हैं ये खोल के देख लेते हैं है क्या चीज़ ये। तो आप यहाँ से भी हेल्प मांग सकते हैं इसकी। तो साइन इन इसमें जैसे कि इसको हमें हेल्प मांगने के लिए है ये। ठीक है, अब इनको लेके कोविड को लेके क्या वीडियो बनाई गई है अभी ये देख सकते हैं, इसमें क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए ये भी सारा इसमें है। ठीक है, तो इसमें लगभग सभी कुछ है। और ये ई पास कैसे फॉर्म भरेंगे, देखिए हरियाणा का अलग निकलेगा फॉर्म, ठीक है, मोबाइल के थ्रू भरना है। एंड देखिए आंध्र प्रदेश का पता नहीं कैसा निकलेगा, हम देखते हैं अभी कैसा निकलेगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है आने जाने के लिए या वैसे इनके लिए है, इनका जो फॉर्म है इनकी भाषा वालों को ही समझ आएगा, मुझे इनकी भाषा ही नहीं आती। ठीक है, अब आते हैं बिहार वाले पे, बिहार। तो जैसे कि ये बिहार वाला, इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ दे, ठीक है, आने जाने के लिए कुछ भी आपकी प्रॉब्लम, ताकि आपको कोई परेशान ना करे, तो आपको यहाँ से आवेदन देना होगा। आप यहाँ से भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पुस्तिका अंतर्राज्यीय, पुस्तिका निकल गई है, मैं पुस्तिका से कोई मतलब नहीं है। इस QR कोड को स्कैन करें और लिंक को ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करें। आपको ये इसको रजिस्टर करने के लिए ई स्मार्टफोन के माध्यम से स्कैन करना होगा, इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। तो हर जगह का अक्सर एक अलग सा सिस्टम है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन, चलो ठीक है, अभी ये इनका सिस्टम है, हमें क्या, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे पंजाब वालों का है, तो
ये रहा इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए ये रहा, पंजाब में कम बैक टू पंजाब, पंजाब में आने के लिए ये रहा, फिल अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू गो, पंजाब से निकलने के लिए ये रहा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक राज्य का अपना एक अलग अलग फॉर्म है, आप उसको देख सकते हैं, फॉर्म भर के आप अपना जो भी काम है, चाहे आपको आना जाना है या सप्लाई करना है या सामान, या माइग्रेंट करना है मतलब स्थान ही बदलना है, तो आप कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपना व्यू हमें जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिएगा, प्रमोट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।